फ्रेंड वेलकम बैक टू माय अंशु सिटी व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बजे मुझे वीडियो छोड़नी होती है क्रंच की आपके लिए। मेरी वीडियो 4 टाइम आती है क्रंच की, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 10 बजे आती है क्रंच की वीडियो, फिर एक 12 बजे आती है, फिर एक 4 बजे आती है, फिर एक 9 बजे आती है। 2 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज उसको भी फॉलो किया करें। अंशु सिटी व्लॉग से हटके अंशु चौहान व्लॉग पर डालने का कारण भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि उस चैनल पे मेरी अभी क्रंच वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज एडजस्ट कीजिएगा जैसे मैं आपके साथ करती हूँ। और लास्ट व्लॉग आपने देखा है मेरा कि मैं मतलब अपने घर पर जा रही हूँ, वहीं से मेरा स्टोरेज फुल हो गया तो वीडियो नहीं बन पाई थी। वहीं से फिर दूसरे दिन से सिखा की शादी स्टार्ट थी और घर में काम स्टार्ट हो चुका है मेरे, तो इस वजह से स्वीटी सीधे वहां चले गए थे, मतलब यहाँ आ गए थे घर पर, और मैं अपने घर चली गई थी। मैंने 15 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फोन मेरे पास था। जितना भी व्लॉग स्वीटी ने मुझे शूट कर करके देते रहे, फिर मैंने आने के बाद भी थोड़ा सा शूट किया है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर लूंगी। जो मेरा घर बन रहा है, घर बनना बहुत ही अपने आप में नाज हो जाता है, क्योंकि अपना घर बनता है तब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि हाय घर बन रहा है, घर बनना है, कैसा कैसा लुक देना है, कैसे कैसे क्या करना है। मेरा बहुत मन था आने का, बट शादी भी करना जरूरी थी, और मतलब मैं घर पहुंचने वाली थी तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही थी। उसी टाइम मेरा स्टोरेज फुल हो गया, उसके बाद मैं एडिटिंग वीडियो कर भी पाई नहीं भी कर पाई, ऐसा होगा। अगर स्वीटी साथ होते हैं तो या तो वो कर लेते हैं या मैं कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्वीटी नहीं थे मेरे साथ, तो इसलिए मुझे व्लॉग बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। आ जाइए फ्रेंड, नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए कितने टेस्टी पोहे हैं, और मैंने रई नहीं डलवाई क्योंकि रई से ना मुझे इतना मजा नहीं आता, मुँह में आती है वो किचकिच। और ये है चाय, चाय गर्म है, पोहे थोड़े ठंडे हैं पर मजा आने वाला है। आ जाइए खा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 2 सूट लेकर आए थे स्वीटी मेरे लिए, तो मुझे ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनमें से मैं कौन सा पहनूं आप बताइए। मैं ये वाला पहनती हूँ आज, देखते हैं कैसा लगता है मेरे ऊपर। तो मैं ये वाला पहनने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये वाला पहनूं, ग्रीन वाला? चल तो ये वाला पहन लेती हूँ। अक्षु कह रही है ये वाला पहनो, तो इसलिए मैं ये वाला पहन रही हूँ। बाबू गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई लव यू। तो अक्षु कह रही है ये वाला पहनो, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। वैसे मैंने इसकी फिटिंग चेक नहीं की है, तो इस बहाने फिटिंग भी चेक हो जाएगी और मैं पहन भी लूंगी, तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ और ये वाला उठाकर रख देती हूँ। तो बताइएगा आपको मेरे दोनों सूट में से ज्यादा प्यारा कौन सा लग रहा है। वैसे तो पहनने के बाद ही कपड़ा प्यारा लगता है, तेरे को ये वाला लग रहा है? ओके बाबू, चलो मैं पहनती हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दक्ष जा रहा है, हेलो बोल दक्ष। ये देखिए फ्रेंड, दक्ष जा रहा है होली खेलने के लिए स्कूल में, और अक्षु रो रही है, कह रही है कि मेरे को भी जाना है। अक्षु होली खेलने जाना है, तो अय्या आ जाएंगे ना, अय्या के साथ खेल लेना होली। देखिए कैसे रो रही है ये, वो ऐसा है ना फ्रेंड, छोटे बच्चों को ना स्कूल में बोलते हैं ना कि आना नहीं है, छुट्टी पड़ गई है, और ये स्कूल जाने की जिद कर रही है मम्मी वाले में। अब इस साल इसका भी एडमिशन हो जाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती, वैसे भी इसको सर्दी हो रही है और ये कर रही है जिद जाने की। दक्ष क्या सोच रहा है, इसको ले जाने की या नहीं ले जाने की? नहीं ले जाने की। और ये देखिए फ्रेंड, कितने सारे पार्सल रखे हुए हैं मेरे, आधे से ज्यादा स्वीटी छोड़ा है और थोड़े से रह गए हैं, तो अभी छोड़ने जाने वाले हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं है, 6-7 पार्सल होंगे दक्ष। हाँ, तो बाकी के पापा छोड़ा है, तो ये अक्षु रोने में लगी पड़ी है फ्रेंड। और मैंने घर का सारा काम कर लिया है, फिनिश हो गया है, अब हमारा घर बन रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर पिलर कहते हैं ना दक्ष, इसको पिलर पड़ा है, और ये सारा ये सब टूट जाएगा, ये सब किचन विचन टूटेगी, हमारी किचन एक अच्छी सी किचन बनवानी है, ये सारा किचन टूट जाएगी, इसलिए मैंने इस बार क्लीनिंग नहीं की अच्छे से। वैसे मैं हर साल करती हूँ क्लीनिंग, लेकिन होली के बाद ही लेंटर पड़ेगा ना, तो फिर ये टूट जाएगी, तो इस वजह से नहीं करिए। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जूते वूते फैले पड़े हैं, क्या ही समेटूँ। ये देखिए आलू उधर भी रखे हैं, इधर भी रखे हैं आलू, और अंदर भी कितने सारे आलू रखे हुए हैं, आलू तो भरे पड़े हैं, खेत से आए थे हमारे वाले से। और ये देखिए न्यू गेट लगा है। तो ये देखिए फ्रेंड, दक्ष हो गया रेडी, और दक्ष ने इस पे दया खाकर इससे बोल दिया कि चल मेरे साथ स्कूल। तो अक्षु देखिए खाना बनने की कोशिश कर रही है, और पैर देखो दीवार में घुसती जा रही हूँ, मां से सरकते 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 यहाँ तक आ गई। तो अक्षु को भी मैंने कर दिया रेडी जाने के लिए, तो ये भी दक्ष के साथ जा रही। चलो दक्ष, चलो चप्पल पहनो, उतरो उतरो दोनों, यानी चलो वो रख दिया मैंने, चलो 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 चले 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 चले। बकरी पकड़ी चप्पल पहन, बाबू चप्पल पहन के चप्पल पहन ले, और क्या, ना ना स्कूल के जूते खराब हो जाएंगे, चप्पल पहन के चला जा। उल्टी चप्पल नहीं पहनते, बच्चों को उल्टी चप्पल पहननी होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि बच्चे चप्पल उल्टी क्यों पहनते हैं।
अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि हमें नहीं पता, फिर मैं आपको बता दूंगी। चलो तेरे को पता है, हाँ या ना का जवाब दे दे खाली, नहीं पता ना, मैं बताऊंगी कल। चल चलो होली खेलने चलो। एक तो इतना भारी गेट खुलता तक नहीं है। बाय बाय बाय। आ जाइए फ्रेंड, गोलगप्पे खा लीजिए, बड़े टेस्टी हैं। अभी स्वीटी मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए थे और लाकर दिए हैं, तो उनको नींद आ गई, वो सो गए हैं। तो चलिए मैं आपके साथ गोलगप्पे शेयर करती हूं। आ जाइए फ्रेंड, गोलगप्पे खा लीजिए। ये देखिए, ये है इसकी आलू, और मैंने इसमें से दो गोलगप्पे खा लिए हैं। और ये हो रही है मेरी वीडियो एडिटिंग, ये मेरा पर्सनल फ़ोन पड़ा हुआ है, एक फ़ोन में जो तो पड़ा हुआ था। देखिए स्वीटी ने दबा रखा है, स्वीटी को आ रही है नींद, स्वीटी लगे हैं सोने में। अभी अभी ड्यूटी से आए थे तो मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए थे। और ये है मेरा कस्टमर वाला फ़ोन, ये मेरा आईफोन है जिसमें वीडियो बन रही है। तो आ जाइए फ्रेंड गोलगप्पे। बाबू तू आ गया, देख तो लूँ लाइट जला के कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कंजर बंदर सा तू तो। अच्छा टीचरों ने खींची होंगी गुन्ना। हाँ। तुम टीचरों के साथ होली खेल के आ रहे हैं? हाँ। तुम तो पूरे चमकीले चमकीले हो रहे हैं। ऐसे वो चमकीले पर रहा था ना स्कूल में, फिर होली खेल लिया। नहाने आ रही हो? देव नहाएगी, मम्मी खोल दो, बाद में खोलूंगी, जब नहाया अम्मा के संग पहले जा। चलो नहा के आओ। ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ बननी है सांखें, जिसको लोग नमक पारी भी बोलते हैं। अभी थोड़ी सी बन भी चुकी है, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम है। मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे? मम्मा बोल नहीं, कुछ बोल दो। मैं सूजी भूनूंगी अभी। हाँ उसमें क्या है? किसमें? उसमें पल्ले में। हाँ। सर पे दुपट्टा रख के बना करो। नौ कहते हैं ना कि तेल ज्यादा पीती है कढ़ैया, सिर खुला होता है तब। काहे की कह रही हो? क्या करूं, यार चीजों से टेस्ट कराऊंगी। अक्षु की लग गई है चोट, अक्षु कह रही है मेरे को वीडियो बना दो मम्मा, मेरी चोट लग गई है। कहाँ लगी बाबू चोट? दिख नहीं रही है, रुको मैं देखता हूँ। अरे हाँ चोट लग गई है गुन्ना के चोते, बेबी की चोट लग गई, बाप रे। अरे हाँ चोट लग गई गुन्ना के, अरे यहाँ भी लग गई हल्की सी, सही हो जाएगी है ना? मम्मी पहले दवा लगा दो। हैं? दवा लगा दूँ? ठीक है लगा लूँ बच्चा के। तो देखिए फ्रेंड मटेरियल अपना रेडी हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये अपना आटा भी रेडी हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, मम्मी ने रेडी किया, सच बताऊँ मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये है गूंजे बनाने का मटेरियल, खोए का पूरा, हल्की फुल्की सूजी डाली है, बट डाली है। तो ये देख लीजिए आप ना, ये देखिए फ्रेंड अक्षु बना रही है गुजिया। ओ ओ मम्मी ऐसे गुजिया बन रही है, देखना आटे को फाड़ फाड़ के देखना उसमें भर रही है। ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते, मैं सिखा रहा हूँ सुन सुन सुन, देख सीखना। ए ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखो, रखो इसके ऊपर ऐसे फैला के रखो। हाँ रुक 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 रुक, फैल गई, बस 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 फैल गई, रुक जा ना, ले मैं इसके अंदर ये मटेरियल भरूँ, रुक जा। अरे नीचे नहीं रखते, इसके ऊपर रखते हैं। अब रुक जा, पानी लगा दो, पूरा घूम जा रहा है, एक हाथ से हो भी नहीं पा रहा है। अब इसको दबा दो अक्षु, ऐसे बंद कर दो इसको, यूं करके बंद करो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा अक्षु, फट जाएगी, रुक जा। अरे अक्षु रुक जा, फट रही है वो, रुक जा। चलो बंद करो बंद करो बंद करो, गुड गर्ल। अभी रुक जाओ, अभी रुक, टाइट से बंद कर, इसको हटाना, हटा के दिखाओ। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही हटाओ। अरे लाली हटा दिया। हाँ तो हटा दिए, हटा लाओ लाओ लाओ।
वेरी गुड। अब चलो खोल दो खोल दो खोल दो, अब अब खोल दो। वाह ने कितनी शौनी गुजिया बनाई है, ये देखिए कितनी शौनी गुजिया बनाई है लाडो ने। किसने बनाया अक्षु जी? तुमने बनाया? ये देखिए फ्रेंड, गुजे बनाने के लिए अक्षु रानी कैसे रो रही है बड़े बड़े आंसुओं से। ओले ओले भैया, कोई बच्चा इतना मेहनती कैसे हो सकता है जो काम करने के लिए रो रहा है। ओ माई गॉड, ओले आंसू। तो फ्रेंड थोड़े से अभी गुजे बने हैं, आप देख लीजिए बन रहे हैं। मम्मी इसके लिए एक और ऐसी मशीन ढूंढने गई है, गुजिया मशीन, ताकि इसको भी बनाने का मौका दें। और ये देखिए ओले मिल बच्चा। अम्मा ताए, अम्मा देख वो ढूंढ रही है किचन में, ढूंढ के ला रही तेरे लिए। यो ना ये ले, अब दबाओ दबाओ तो। ओ रुक 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 बाओ, पूरा फैलान दे, रुक जा अभी मत। फ्रेंड मैंने बनाने रखी थी चाय, और यहाँ पर रखे है हमारी सांके। आगरा में तो सांके बोलते हैं, यहाँ पर वैसे नमक पारे बोलते हैं। तो मैंने लगा इतना नमक पारे, थोड़ी सी चाय निकल भी गई है यार, बहुत मूड ख़राब हो जाता है जब चाय निकलती है। तो मैं जल्दी से स्वीटी को चाय करके और थोड़े से ये सांके दे देती हूँ, और उनका रिएक्शन देखती हूँ कैसा टेस्ट लगा। चाय मैं देकर आ गई हूँ, और ये लोग तो चलते हैं। ये लीजिए जनाब, कैसे बने? अच्छे क्रिस्पी हैं। ये देखिए फ्रेंड, अक्षु हमारी करती है कितना सारा काम है। अक्षु गुजिया रख रहे हो ऐसे चुपका चुपका के, रखते हुए बहुत है बहुत है। अब उसमें रख लो परात में। तो फ्रेंड इसको चलते हैं हम सेकने के लिए। अरे बाप रे, एक मैंदे की मठरी रह गई थी, मैंने सोचा था लास्ट में डाल दूंगी, वो थोड़ी सी ज्यादा ही पक गई, ब्लैक हो गई पूरी। वैसे भी लो फ्लेम पर के गई थी, फिर भी चलिए जल्दी जल्दी डाल देते हैं। कुछ तो अक्षु ने बनाई है, तो देखिए इस टाइप हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि फूट ना जाए इसी के अंदर, फट गई ना तो सब वेस्ट चला जाता है। होली पे अगर गूंजे मठरी सांखें ये सब नहीं बनाओ तो होली का मज़ा ही नहीं लगता, मतलब लगता ही नहीं कि होली आई है। और ये सब मतलब इन्हीं टाइम पे अच्छा लगता है, तो घर में बनाने के खाने का टेस्ट अलग होता है और मार्केट का अलग होता है। और मार्केट का ना एक थोड़ा अजीब ही हो जाता है ना, तो इसलिए घर का ही बेस्ट रहता है। सबके घर में बन रही होगी आई होप, हमारे घर पे जैसे बन रही है। इसको लो फ्लेम पे ही पकाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये ऊपर से तो पक जाती है लेकिन अंदर से थोड़ा सा ऐसे ही रह जाते हैं ना कच्चा कच्चा मैदा, तो इस वजह से इसको अच्छे से लो फ्लेम पे पकानी चाहिए। और हमेशा साइड से डालना चाहिए, क्योंकि बीच में से डालते हैं तो तेल अपने ऊपर ही आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऐसा किया था तो बहुत बारी मेरे ऊपर तेल आया है, हाथ भी काफ़ी बार छीट वीट भी आई है, तो इसलिए मैं साइड से डालती हूँ तब परफेक्टली डाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये भी बहुत क्रिस्पी बनी है एकदम ही। ये देखिए, जब तक क्रिस्पी ना हो ना सांखें तब तक मज़ा भी नहीं आता फ्रेंड, आपको तो पता ही है, जो खाते हैं उनको पता है। और जिनको नमकीन चीज़ें पसंद नहीं है तो उनको गुजिया पसंद होती है, जैसे स्वीटी को, स्वीटी तो सब खा लेते हैं, मतलब साके भी खा लेते हैं गुजिया भी खा लेते हैं। अभी इसमें चार रह गई हैं, तो थोड़ी सी ये सिक जाए फिर मैं इनको डालूंगी। तो चलिए अब तक अंदर चलते हैं, मैं आपके लिए फ़ोटो ले लेती हूँ। तो ये देखिए सारी गुजिया मम्मी लेकर आ गई हैं। सफेद हल्के हल्के पे पकने दो, सारी टोटल इतनी बनी। मम्मी देखो ये भी खुल गई है, ये अक्षु के हाथ की है, ये देखो पूरी खुल रही है। ये तो फ्रेंड इनको तलना रह गया, और अभी हमारे घर में बनेंगे अनस से। निकाल लो मम्मी मिक्सी, स्टार्ट तो करो अब तक। हल्की सी तेज कर दो गैस हल्की, अरे फुल है मम्मी, क्या गैस जा रही है? हल्की सी लग रही है ना, जा नहीं रही हो, लग तो ऐसी रही है, हल्की सी पड़ गई है।
ना यहाँ तक आ बैठू। तो देखिए फ्रेंड गूंजे रेडी हो गए हैं, ये लास्ट के गूंजे हैं। अब चू गूंजा खाएगा, दो जमन हटके बैठ गए। उठा एक, ठंडा उठाइयो, गरम मत उठाइयो। रुक जा मैं दे रही हूँ, रुक जा ठंडा से निकाल के। हमारे हाथ ठीक रहते, खा के दिखाओ कैसा है। हमारे बहुत गरम, गरम बेटा, ठंडे हैं ये ले। अरे गरम ही है, लो सीटी खा के दिखाना कैसे है, बताओ जल्दी। अच्छा बनाए किसने, भाई ने। ये लो कुन्ना दे, काट के दे। अच्छा यम्मी, अच्छा अक्षु। ये देखिए फ्रेंड, ये नया नुस्खा, पता नहीं क्या है, पता नहीं है, लेकिन इसके बनने अब हुए। तो बताइएगा फ्रेंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आपको गुजिया पसंद है, सांखे पसंद है, या क्या बनाए थे, अनस्से से, अनस्से अभी बने नहीं है, वो कल बनेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। कल होगी पूजा, कल है छोटी दिवाली, छोटी होली, दिवाली दिवाली निकल रहा है मुँह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। कल के लिए बने रहिए, बाय। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू यम्मी यम्मी सोलो वीडियो। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको फ्रेंड, मेरी अब तीन वीडियो आया करेंगी। एक आया करेगी 12 बजे और दूसरी आया करेगी मेरी 4 बजे और लास्ट वीडियो मेरी आया करेगी 9 बजे। तो तीन वीडियो आया करेंगी मेरी न्यू, ठीक है। और ये तीनों वीडियो मेरी आया करेंगी अंशु चौहान व्लॉग वाले चैनल पर, ठीक है। तीनों ही वीडियो अंशु चौहान व्लॉग वाले चैनल पर आया करेंगी। और अगर आपको ओल्ड वीडियो देखनी है मेरी जितनी भी, तो वो आपको मेरे अंशु सीटी व्लॉग वाले चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये तीनों ही मेरी न्यू वीडियो हुआ करेंगी, चाहे मैं उस पर थंबनेल लगाऊं या ना लगाऊं, चाहे मुझे किसी भी फ्लावर का या कुछ भी कैसा भी लगाना पड़े। तो ये तीन जो 4 बजे वाली वीडियो होगी और 12 बजे वाली और लास्ट 9 बजे वाली, ये तीनों ही न्यू वीडियो होंगी। और इनमें से दो स्वेलो वीडियो होंगी और एक क्रंच वीडियो होगी। जो 12 बजे वाली वीडियो होगी, कल से जो 12 बजे वाली वीडियो होगी वो स्वेलो होगी, फिर 4 बजे वाली वाली क्रंच वीडियो होगी और लास्ट वीडियो मेरी 9 बजे वाली सेल होगी, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, प्लीज़ तीनों को सपोर्ट करना। और क्रंच भी इंटरेस्टिंग होता है, तो प्लीज़ क्रंच वीडियो को भी ऐसे ही इंजॉय किया करें जैसे आप नॉर्मली सेलो वीडियो को करते हैं। ओके मैं स्टार्ट करती हूँ।
तो फ्रेंड्स चलो डन, बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ध्यान से सुन लीजिए। 12 बजे वाली वीडियो में ये स्वेलो आएगी कल से, और जो 4 बजे वाली वीडियो होगी वो मेरी क्रंच होगी, और लास्ट जो 9 बजे वाली वीडियो होगी वो मेरी फुल स्वेलो वीडियो होगी। ठीक है, तीनों ही दो स्वेलो वीडियो होंगी, 12 बजे वाली और 9 बजे वाली फुल स्वेलो होगी, और 4 बजे वाली मेरी ओनली क्रंच वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्रंच के साथ। और इस पे जो इस वाले चैनल पर है अंशु चौहान ब्लॉग वाले चैनल पर, तीनों ही वीडियो न्यू आएंगी, और अंशु सिटी ब्लॉग वाले चैनल पर ओल्ड भी आ सकती है, न्यू भी आ सकती है। ठीक है, अपना एंजॉय करिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और अच्छी अच्छी चीज़ों पर सजेस्ट कीजिए, मैं बनाती रहूँगी आपके लिए वीडियो। वेलकम बैक टू माय अंशु सिटी व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 बजे मुझे वीडियो छोड़नी होती है क्रंच की आपके लिए। मेरी वीडियो 4 टाइम आती है क्रंच की, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। सुबह 10 बजे आती है क्रंच की वीडियो, फिर एक 12 बजे आती है, फिर एक 4 बजे आती है, फिर एक 9 बजे आती है। 2 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज उसको भी फॉलो किया करें। अंशु सिटी व्लॉग से हटके अंशु चौहान व्लॉग पर डालने का कारण भी मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, क्योंकि उस चैनल पे मेरी अभी क्रंच वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा जैसे मैं आपके साथ करती हूँ। और लास्ट व्लॉग आपने देखा है मेरा कि मैं मतलब अपने घर पर जा रही हूँ, वहीं से मेरा स्टोरेज फुल हो गया तो वीडियो नहीं बन पाई थी वहीं से। फिर दूसरे दिन से सिखा की शादी स्टार्ट थी और घर में काम स्टार्ट हो चुका है मेरे, तो इस वजह से स्वीटी सीधे वहां चले गए थे, मतलब यहाँ आ गए थे घर पर, और मैं अपने घर चली गई थी। मैंने 15 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि फोन मेरे पास था। जितना भी व्लॉग स्वीटी ने मुझे शूट कर करके देते रहे, फिर मैंने आने के बाद भी थोड़ा सा शूट किया है, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर लूंगी। जो मेरा घर बन रहा है, घर बनना बहुत ही अपने आप में नाज हो जाता है, क्योंकि अपना घर बनता है तब बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि हाय घर बन रहा है, घर बनना है, कैसा कैसा लुक देना है, कैसा कैसा क्या करना है। मेरा बहुत मन था आने का, बट शादी भी करना जरूरी थी, और मतलब मैं घर पहुंचने वाली थी तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर
कर रही थी उसी टाइम मेरा स्टोरेज फुल हो गया। उसके बाद मैं एडिटिंग वीडियो कर भी पाई नहीं भी कर पाई, ऐसा होगा। अगर स्वीटी साथ होते हैं तो या तो वो कर लेते या मैं कर लेती, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्वीटी नहीं थी मेरे साथ तो इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आ जाइए फ्रेंड, नाश्ता कर लीजिए। ये देखिए कितने टेस्टी पोहे हैं, और मैंने रई नहीं डलवाई क्योंकि रई से ना मुझे इतना मज़ा नहीं आता, मुँह में आती है वो किचकिच। और ये है चाय, चाय गर्म है, पोहे थोड़े ठंडे हैं पर मज़ा आने वाला है। आ जाइए खा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये दो सूट लेकर आए थे स्वीटी मेरे लिए, तो मुझे ये दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। इनमें से मैं कौन सा पहनूँ आप बताइए। मैं ये वाला पहनती हूँ आज, देखते हैं कैसा लगता है मेरे ऊपर। तो मैं ये वाला पहनने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये वाला पहनूँ, ग्रीन वाला? चल तो ये वाला पहन लेती हूँ। अक्षु कह रही है ये वाला पहनो, तो इसलिए मैं ये वाला पहन रही हूँ। बाबू गुड मॉर्निंग। आई लव यू। तो अक्षु कह रही है ये वाला पहनो, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। वैसे मैंने इसकी फिटिंग चेक नहीं की है, तो इस बहाने फिटिंग भी चेक हो जाएगी और मैं पहन भी लूंगी। तो मैं ये वाला पहन लेती हूँ और ये वाला उठाकर रख देती हूँ। तो बताइएगा आपको मेरे दोनों सूट में से ज्यादा प्यारा कौन सा लग रहा है। वैसे तो पहनने के बाद ही कपड़ा प्यारा लगता है। तेरे को ये वाला लग रहा है? ओके बाबू, चलो मैं पहनती हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, दक्ष जा रहा है। हेलो बोल दक्ष। ये देखिए फ्रेंड, दक्ष जा रहा है होली खेलने के लिए स्कूल में, और अक्षु रो रही है, कह रही है कि मेरे को भी जाना है। अक्षु होली खेलने जाना है, तो अय्या आ जाएंगे ना, अय्या के साथ खेल लेना होली। देखिए कैसे रो रही है ये। वो ऐसा है ना फ्रेंड, छोटे बच्चों को ना स्कूल में बोलते हैं ना कि आना नहीं है, छुट्टी पड़ गई है, और ये स्कूल जाने की जिद कर रही है मम्मी वाले में। अब इस साल इसका भी एडमिशन हो जाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं चाहती। वैसे भी इसको सर्दी हो रही है और ये कर रही है जिद जाने की। दक्ष क्या सोच रहा है, इसको ले जाने की या नहीं ले जाने की? नहीं ले जाने की। और ये देखिए फ्रेंड, कितने सारे पार्सल रखे हुए हैं मेरे, आधे से ज्यादा स्वीटी छोड़ा है और थोड़े से रह गए हैं, तो अभी छोड़ने जाने वाले हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं है, 6-7 पार्सल होंगे दक्ष। हाँ, तो बाकी के पापा छोड़ा है, बाकी के पापा छोड़ा है। तो ये अक्षु रोने में लगी पड़ी है फ्रेंड, और मैंने घर का सारा काम कर लिया है, फिनिश हो गया है, अब हमारा घर बन रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया था, थोड़ा सा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर पिलर कहते हैं ना दक्ष, इसको पिलर पड़ा है, और ये सारा, ये सब टूट जाएगा, ये सब किचन विचन टूटेगी। हमारी किचन एक अच्छी सी किचन बनवानी है, ये सारा किचन टूट जाएगी, इसलिए मैंने इस बार क्लीनिंग नहीं की अच्छे से। वैसे मैं हर साल करती हूँ क्लीनिंग, लेकिन होली के बाद ही लेंटर पड़ेगा ना, तो फिर ये टूट जाएगी, तो इस वजह से नहीं। पर यहाँ पे देखिए किस तरीके से जूते वूते फैले पड़े हैं, क्या ही समेटूं। ये देखिए आलू उधर भी रखे हैं, इधर भी रखे हैं आलू, और अंदर भी कितने सारे आलू रखे हुए हैं। आलू तो भरे पड़े हैं, खेत से आए थे हमारे वाले से। और ये देखिए न्यू गेट लगाया। तो ये देखिए फ्रेंड, अब दक्ष हो गया रेडी, और दक्ष ने इस पे दया खाकर इससे बोल दिया कि चल मेरे साथ स्कूल। तो अक्ष देखिए खाना बनने की कोशिश कर रही है, और पैर देखो दीवार में घुसती जा रही, मां से सरकते 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 यहाँ तक आ गई। तो अक्ष को भी मैंने कर दिया रेडी जाने के लिए, तो ये भी दक्ष के साथ जा रही। चलो दक्ष, चलो चप्पल पहनो, उतरो उतरो दोनों, यानी चलो वो रख दिया मैंने। चलो 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 चले 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 चले, बकरी पकड़ी, चप्पल पहन बाबू, चप्पल पहन के चप्पल पहन लो, और क्या ना ना, स्कूल के जूते खराब हो जाएंगे, चप्पल पहन के चला जा। ओ उल्टी चप्पल नहीं पहनते, बच्चों को उल्टी चप्पल पहननी होती है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड कि बच्चे चप्पल उल्टी क्यों पहनते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि हमें नहीं पता, फिर मैं आपको बता दूंगी। चलो तेरे को पता है, हाँ या ना का जवाब दे दे खाली, नहीं पता ना, मैं बताऊंगी कल। चल चलो होली खेलने चलो। एक तो इतना भारी गेट खुलता तक नहीं है। आ जाइए फ्रेंड, गोलगप्पे खा लीजिए, बड़े टेस्टी हैं। अभी स्वीटी मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए थे और लाकर दिए हैं, तो उनको नींद आ गई, वो सो गए हैं। तो चलिए मैं आपके साथ गोलगप्पे शेयर करती हूं। आ जाइए फ्रेंड, गोलगप्पे खा लीजिए। ये देखिए ये है इसके आलू, और मैंने इसमें से दो गोलगप्पे खा लिए हैं। और ये हो रही है मेरी वीडियो एडिटिंग, ये मेरा पर्सनल फ़ोन पड़ा हुआ है, एक फ़ोन मेरे उधर पड़ा हुआ था। देखिए स्वीटी ने दबा रखा है, स्वीटी को आ रही है नींद, स्वीटी लगे हैं सोने में। अभी अभी ड्यूटी से आए थे तो मेरे लिए गोलगप्पे लेके आए थे। और ये है मेरा कस्टमर वाला फ़ोन, ये मेरा आईफोन है जिसमें वीडियो बन रही है। तो आ जाइए फ्रेंड गोलगप्पे। बाबू तू आ गया, देख तो लूँ लाइट जला के कैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कंजर बंदर से आते तो। अच्छा टीचरों ने खींची होंगी गुन्ना। हाँ। तुम टीचरों के साथ होली खेल के आ रही है? हाँ।
तुम तो पूरे चमकीले चमकीले हो रहे हैं। ऐसे वो चमकीले पर रहा था ना स्कूल में, फिर वो लेके लिया। नहाने आ रही हो? देव नहाएगी मम्मी, खोल दो। बाद में खोलूंगी, जा नहाया अम्मा के संग, पहले जा चलो नहा के आओ। ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ बननी है सांखें, जिसको लोग नमक पारी भी बोलते हैं। अभी थोड़ी सी बन भी चुकी है, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम है। मम्मी कुछ बोलना चाहेंगे? मम्मा बोल नहीं, कुछ बोल दो। मैं सूजी भूनूंगी अभी। हाँ, उसमें क्या है? किसमें? उसमें पल्ले में आलू। हाँ, सर पे दुपट्टा रख के बना करो। नो कहते हैं ना कि तेल ज्यादा पीती है कढ़ैया, सिर खुला होता है तब। काहे की कह रही हो? क्या करूं? यार चीज में से टेस्ट कराऊंगी। बाबू बेलन दो, गंदी बात। सही है, हल्का ना मगर। ये देखिए फ्रेंड, अक्षु के लग गई है चोट। अक्षु कह रही है मेरे को वीडियो बना दो मम्मा, मेरी चोट लग गई है। कहाँ लगी बाबू चोट? दिख नहीं रही है, रुको मैं देखता हूँ। अरे हाँ, चोट लग गई है गुन्ना के चोते च, बेबी के चोट लग गई। बाप रे, अरे हाँ चोट लग गई गुन्ना के। अरे यहाँ भी लग गई हल्की सी, सही हो जाएगी है ना? मम्मी पहले दवा लगा दो। हैं? दवा लगा दूँ? ठीक है, लगा लूँ बच्चा के। तो देखिए फ्रेंड, मटेरियल अपना रेडी हो गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अपना आटा भी रेडी हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट। मैं ना मम्मी ने रेडी किया, सच बताऊँ मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये है गूंजे बनाने का मटेरियल, खोए का पूरा, हल्की फुल्की सूजी डाली है, बट डाली है। तो ये देख लीजिए आप ना, ये देखिए फ्रेंड, अक्षु बना रही है गुजिया। ओ ओ मम्मी, ऐसे गुजिया बन रही है, देखना आटे को फाड़ फाड़ के देखना, उसमें भर रही है। ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते। मैं सिखा रहा हूँ। सुन, देख सीखना। ए ऐसे इसके ऊपर ऐसे रखो, रखो इसके ऊपर ऐसे फैला के रखो। हाँ, रुक, फैल गई, बस फैल गई, रुक जा ना। ले मैं इसके अंदर ये मटेरियल भरूँ, रुक जा। अरे नीचे नहीं रखते, इसके ऊपर रखते हैं। अब रुक जा, पानी लगा दो, पूरा घूम जा रहा है, एक हाथ से हो भी नहीं पा रहा है। अब इसको दबा दो अक्षु, ऐसे बंद कर दो इसको, यूं करके बंद करो। रुक जा अक्षु, फट जाएगी, रुक जा। अरे अक्षु रुक जा, फट रही है वो, रुक जा। चलो बंद करो, गुड गर्ल। अभी रुक, टाइट से बंद कर, इसको हटाना, हटा के दिखाओ। ऐसे नहीं, हाँ ऐसे ही हटाओ। अरे लाली, हटा दिया। हाँ तो हटा दिए, हटा, लाओ लाओ लाओ, वेरी गुड। अब चलो खोल दो, अब खोल दो। वाह, अक्षु ने कितनी शौनी गुजिया बनाई है, ये देखिए कितनी शौनी गुजिया बनाई है लाडो ने। किसने बनाया अक्षु जी? तुमने बनाया? ये देखिए फ्रेंड, गुजे बनाने के लिए अक्षु रानी कैसे रो रही है बड़े बड़े आंसुओं से। ओले ओले भैया, कोई बच्चा इतना मेहनती कैसे हो सकता है जो काम करने के लिए रो रहा है। ओ माई गॉड, ओले आंसू। तो फ्रेंड, थोड़े से अभी गुजे बने हैं, आप देख लीजिए बन रहे हैं। मम्मी इसके लिए एक और ऐसी मशीन ढूंढने गई है, गुजिया मशीन, ताकि इसको भी बनाने का मौका दें। और ये देखिए, ओले मिल बच्चा। अम्मा ताए, अम्मा देख वो ढूंढ रही है किचन में, ढूंढ के ला रही है तेरे लिए। यो ना, ये ले, अब दबाओ। ओ रुक बाबू, पूरा फैला दे, रुक जा अभी मत। फ्रेंड, मैंने बनाने रखी थी चाय, और यहाँ पर रखी है हमारी सांखे। आगरा में तो सांखे बोलते हैं, यहाँ पर वैसे नमक पारे बोलते हैं। तो मैंने लगा इतना नमक पारे, थोड़ी सी चाय निकल भी गई है यार, बहुत मूड ख़राब हो जाता है जब चाय निकलती है। तो मैं जल्दी से स्वीटी को चाय करके और थोड़े से ये सांखे दे देती हूँ, और उनका रिएक्शन देखती हूँ कैसा टेस्ट लगा। चाय मैं देकर आ गई हूँ, और ये लेके चलते हैं। ये लीजिए जनाब,
मैंने क्या पूरी खराब कर दी। कैसे बनी? अच्छी है, क्रिस्पी है। ये देखिए फ्रेंड, अक्षु हमारी करती है कितना सारा काम है। अक्षु गुजिया झक रहे हो, ऐसे चुपका चुपका के रखते, बस बहुत है बहुत है। अब उसमें रख लो परात में। तो फ्रेंड इसको चलते हैं हम सेकने के लिए। अरे बाप रे, एक मैंदे की मठरी रह गई थी, मैंने सोचा था लास्ट में डाल दूंगी, वो थोड़ी सी ज्यादा ही पक गई, ब्लैक हो गई पूरी। वैसे भी लो फ्लेम करके गई थी, फिर भी चलिए जल्दी जल्दी डाल देते हैं। कुछ तो अक्षु ने बनाई है, तो देखिए इस टाइप हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि फूट ना जाए इसी के अंदर, फट गई ना तो सब वेस्ट चला जाता है। होली पे अगर गूंजे मठरी साखें ये सब नहीं बनाओ तो होली का मज़ा ही नहीं लगता, मतलब लगता ही नहीं कि होली आई है। और ये सब मतलब इन्हीं टाइम पे अच्छा लगता है, तो घर में बनाने के खाने का टेस्ट अलग होता है और मार्केट का अलग होता है, और मार्केट का ना एक थोड़ा अजीब ही हो जाता है ना, तो इसलिए घर का ही बेस्ट रहता है। सबके घर में बन रही होगी आई होप, हमारे घर पे जैसे बन रही है। इसको लो फ्लेम पे ही पकाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड ये ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से थोड़ा सा ऐसी रह जाते हैं ना कच्चा कच्चा मैदा, तो इस वजह से इसको अच्छे से लो फ्लेम पे पकानी चाहिए, और हमेशा साइड से डालना चाहिए क्योंकि बीच में से डालते हैं तो तेल अपने ऊपर ही आता है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ऐसा किया था तो बहुत बारी मेरे ऊपर तेल आया है, हाथ भी काफ़ी बार छीट वीट भी आई है, तो इसलिए मैं साइड से डालती हूँ तब परफेक्टली डाल लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी बनी है एकदम ही, ये देखिए जब तक क्रिस्पी ना हो ना सांखें तब तक मज़ा भी नहीं आता फ्रेंड, आपको तो पता ही है, जो खाते हैं उनको पता है। और जिनको नमकीन चीज़ें पसंद नहीं है तो उनको गुजिया पसंद होती है, जैसे स्वीटी को, स्वीटी तो सब खा लेते हैं, मतलब साके भी खा लेते हैं गुजिया भी खा लेते हैं। अभी इसमें चार रह गई हैं तो थोड़ी सी ये सिक जाए फिर मैं इनको डालूंगी। तो चलिए अब तक अंदर चलते हैं, मैं आपके लिए फ़ोटो ले लेती हूँ। तो ये देखिए सारी गुजिया मम्मी लेकर आ गई हैं, सफेद हो रहा है, हल्के पे पकने दो। सारी टोटल इतनी बनी मम्मी, देखो ये भी खुल गई है, ये अक्षु के हाथ की है, ये देखो पूरी खुल रही है ये तो। तो फ्रेंड इनको तलना रह गया, और अभी हमारे घर में बनेंगे अनस से। निकाल लो मम्मी मिक्सी, स्टार्ट तो करो, अब तक हल्की सी तेज कर दो गैस हल्की। अरे फुल है मम्मी, क्या गैस जा रही है? हल्की सी लग रही है ना, जा नहीं रही हो, लग तो ऐसी रही है, हल्की सी पड़ गई है, वरना यहाँ तक आ बैठू। तो देखिए फैन गूंजे रेडी हो गए हैं, ये लास्ट के गूंजे हैं। अच्छू गूंजा खाएगा, दो जुम्मन हटके बैठ गए, उठा एक ठंडा उठाइयो, गरम मत उठाइयो, रुक जा मैं दे रही हूँ, रुक जा ठंडा से निकाल के। हमारे हाथ ठीक रहते हैं, खा के दिखाओ कैसा है। कहाँ है गरम बेटा, ठंडे हैं ये ले, अरे गरम ही है, लो सीटी खा के दिखाना कैसे है, बताओ जल्दी। वाह अच्छा बनाए, किसने? भाई ने, ये लो कुन्ना ले, काट के देख, अच्छा है, यम्मी, अच्छा है अक्षु। ये देखिए फ्रेंड ये नया नुस्खा, पता नहीं क्या है पता नहीं है, लेकिन इसके बनने आप हुए। तो बताइएगा फ्रेंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको गुजिया पसंद है, सांखे पसंद है या
क्या बनाए थे, अनस्से से। अनस्से अभी बने नहीं है, वो कल बनेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल होगी पूजा, कल है छोटी दिवाली, छोटी होली, दिवाली दिवाली निकल रहा है मुँह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ। कल के लिए बने रहिए, बाय। Tell me what's wrong.